वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको मैं स्वागत करता हूं, ठीक है ना। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का वीडियो है और आज का जो वीडियो अपना होने वाला है वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, उसके स्टाफ पैटर्न के बारे में। मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाए, मतलब वहाँ पे कितने टोटल स्टाफ होते हैं, कौन कौन स्टाफ के कितने नंबर हो संख्या होते हैं वो बताइए, और पीएचसी का कार्य बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, या तो पीएचसी के बारे में या तो सीएचसी के बारे में, स्टाफ पैटर्निंग उसके काम के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचसी के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ज़रूर, समझिएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए पीएचसी होता क्या है। पीएचसी एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, ये पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। चलिए देखिए, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। देखिए, आपके पीएचसी से नीचा सरकारी स्तर पर जो पहला जो अस्पताल होता है ना, वह होता है सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर, उपकेंद्र। इस उपकेंद्र पर आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, बातें को समझ रहे हैं। डॉक्टर कहाँ से शुरू होते हैं, यह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही आपके जो है डॉक्टर शुरू होते हैं सरकारी में। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि यह ग्रामीण समुदाय एवं डॉक्टर यानी चिकित्सक के बीच पहला संपर्क होता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहला ऐसा जगह है जहां पे लोगों को डॉक्टर से संपर्क होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र की 20,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार, कि जो पीएचसी होता है, पीएचसी कितने के जनसंख्या पे बनाए जाते हैं। तो ये जो पीएचसी होता है मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में 30,000 के जनसंख्या पर एक पीएचसी, जबकि यहीं पे अगर बात करेगा पर्वतीय क्षेत्र में, आदिवासीय ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है आपके यह 20,000 के जनसंख्या को एक कवर करता है। बातें को समझ गए। चलिए, इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। अब ये जो आपका ये जो पीएचसी होता है, पीएचसी का रख रखाव खर्च वगैरह कौन देखता है, तो राज्य सरकार के जो मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम है, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत यह सारा रख रखाव देखा जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। पीएचसी पर कितना बिस्तर होता है, 4 से 6 बिस्तर होता है, तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं, जैसे जांच वगैरह, दवाई वगैरह, ये सब उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके पीएचसी पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया पीएचसी के बारे में बेसिक जानकारी, कि बेसिक पीएचसी को कौन ऑपरेट करता है, पीएचसी कितने जनसंख्या पर होते हैं, ठीक है, पीएचसी में कितने बेड होते हैं, तो ये सारे चीज़ें मैं बता दिया। अब यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है, चाहे तो आप इंग्लिश में इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनको इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके शुरू हो रहे हैं, ध्यान से एकदम आप जो है इसे अच्छे से देखिएगा। स्टाफ पैटर्निंग ऑफ पीएचसी, अब स्टाफ पैटर्न हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले एक होते हैं चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पे पीएचसी पर एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं और यही जो है मेन जिम्मेदारी, मेडिकल ऑफिसर जो है यही देख रेख करते हैं, पीएचसी इन्हीं के अंदर में होता है, एमओ के। यहाँ पे एक नर्स होती है, ठीक है, एक नर्स जो है यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में एएनएम एक होती है यहाँ पे, ओके। फीमेल हेल्थ वर्कर, जिसे एएनएम कहते हैं हम लोग, एक होती है। फार्मासिस्ट भी यहाँ पे एक होता है अपना, और ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, यहाँ पे एक जो है एजुकेटर होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, वह भी एक होते हैं, ठीक है। और एएनएम की तरह यहाँ पे एक पुरुष में भी स्वास्थ्य सहायक होते हैं, हेल्थ असिस्टेंट एक पुरुष में होते हैं और एक हेल्थ असिस्टेंट महिला में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक कनीय लिपिक होता है, एक वरिष्ठ, एक लोअर डिवीज़न, एक अपर डिवीज़न होता है। उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन अपना जो है होता है, साथ में यहाँ पे एक ड्राइवर भी आपको देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे फोर्थ ग्रेड के
चार होते हैं जिसमें क्लीनर स्वीपर वगैरह सब माली वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से यह चार फोर्थ ग्रेड टोटल देखा जाए तो टोटल यह संख्या में आपका जो है 15 होता है। ठीक है, तो पीएचसी पर टोटल 15 स्टाफ जो है मिलते हैं आपको। कितने कैटेगरी के स्टाफ हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी 1, नर्स 2, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3, फार्मासिस्ट 4 एंड उसके बाद प्रखंड विस्तार शिक्षक 5, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक 6, उसके बाद है स्वास्थ्य सहायक महिला 7, वरिष्ठ लिपिक 8, कनिष्ठ वरिष्ठ जो है 9 हुआ, और प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन 10, ड्राइवर 11, चतुर्थ वर्गीय 12। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके 12 टाइप्स के स्टाफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के यह 15 संख्या में टोटल रहते हैं पीएचसी पर। और देखिए सब है एक एक, बाकी सिर्फ ज़्यादा है वह फोर्थ ग्रेड है, 4 है, सब एक एक है। चाहे फार्मासिस्ट बोले तो 1, चाहे फीमेल हेल्थ वर्कर बोले तो 1, ठीक है, चाहे आपका हेल्थ एजुकेटर बोले तो 1, ठीक है, सारा चीज़ें एक एक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने कैटेगोरी के होते हैं, उन 12 कैटेगोरी में एक कैटेगोरी जो फोर्थ ग्रेड का है वही आपके 4 होंगे, बाकी सब एक एक होंगे। ठीक है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, क्लर्क हो, सब एक एक है। बातें को समझ गए, टोटल यहाँ पे 15 है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, वरिष्ठ सहायक है, स्वास्थ्य सहायक महिला है, स्वास्थ्य सहायक पुरुष है, प्रखंड शिक्षक है, फार्मासिस्ट है 1, ANM 1, नर्स 1 और MO 1। ठीक है, मतलब नर्स मतलब जो स्टाफ ग्रेड ए होती है, सीनियर नर्स वो होंगी, बातें को समझ रहे ना, बाकी ANM तो होंगी, स्वास्थ्य सहायक मेल फीमेल दोनों होती है, तो ये सारे चीज़ें हैं मैंने बता दिया। चलिए अब आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या कार्य है। भाई फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ के सेंटर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो है आप फंक्शन बताइए, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बहुत सारे कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं ये कार्य समझना ज़रूरी है ताकि आप समझ सके कि हाँ पीएचसी पर क्या क्या होता है। जब तक कार्य नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहला अब एक कार्य मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य आपको सीरियल लिखना है, बस जानकारी के लिए कि हाँ कौन कौन से कार्य होता है दिमाग में आपको रखना है। जैसे पहला तो यही है कि देखभाल चिकित्सीय कार्य होता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। यहाँ पर जो काम होता है वो काम में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छता और आधारभूत स्वच्छता का और स्वच्छता आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, यहाँ पे जो पीएचसी पर कोई भी जहाँ पीएचसी है उसके आसपास कोई बीमारी है उसको कैसे रोकथाम, कैसे उसका ट्रीट करना है, इसका काम किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित जैविक सांख्यिकी का संग्रह एवं रिपोर्ट करना। पीएचसी का काम है कि जितने भी प्रजनन है, बाल स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, इन सब का डाटा तैयार करना। ठीक है ना, उसके बाद पांचवा है, इसका काम है स्वास्थ्य शिक्षा देना, इनका काम है परामर्श देना लोगों को जिनको समस्या हो। आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं, यहाँ पे आधारभूत जो बेसिक नीड होता है प्रयोगशाला लैब जो होता है वो होता है यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी ऑपरेट किया जाता है। एंड लास्ट है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, स्थानीय दाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना। पीएचसी के अंतर्गत चूँकि पीएचसी देखा जाए तो सबसे निचला स्तर का ठीक ठाक जो है एक केंद्र होता है, उससे नीचा सब सेंटर होता है, उस सब सेंटर पर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ होता नहीं है, तो ठीक ठाक वाला आपके पीएचसी ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, स्थानीय दाई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायक है, इन सब का प्रशिक्षण देना यहाँ पे जो है किया जाता है। बातें को समझ गए, अब उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया कि मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ क्लीन सप्लाई एंड बेसिक हाइजीन, यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आसपास जो स्थानीय बीमारी होता है उसका उपचार और उसका रोकथाम करना। ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव है, इन सब का जो है क्या बनाना, डाटा संग्रह करना, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है ना,
यहाँ पे बेसिक जो लैब होता है उसका सुविधा होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहीं से ऑपरेट किया जाता है, शुरू किया जाता है। साथ में यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार से यह पीएचसी का कार्य हो गया। मैंने आपको पीएचसी का स्टाफ पैटर्न बता दिया, ठीक है, पीएचसी क्या होता है वो मैंने बता दिया, साथ में मैंने पीएचसी के फंक्शन को भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो अब इसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो लाऊं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, वरना क्या ही फ़ायदा, 30 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, और 10 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, क्या फ़ायदा देखने का फिर। और फिर बहुत लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो शुरू से पढ़िएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा नहीं, आधा घंटा समय नहीं दीजिएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।